हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू का पार्ट थर्ड। अभी तक अगर आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कीजिए। अभी तक अपने चैप्टर में मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, उसका स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गाइनोसियम, और उसी को अपन क्या कहते हैं, पिस्टिल। उसका एक इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है, कार्पल, ये भी आपको सबको मालूम है। और कार्पल पे मेगा स्पोर बनेंगे इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, जैसे कि अपन उसको क्या बोल देते हैं, स्टेमन को, माइक्रो स्पोरोफिल, इसको क्या बोला, मेगा स्पोरोफिल। अब जो कभी कभी जो गाइनोसियम होता है उसमें एक ही कार्पल होती है और कभी कभी एक से ज्यादा कार्पल होती है। अगर एक कार्पल है तो उसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक से ज्यादा कार्पल है बोले तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, तो वो सारी कार्पल एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। अगर सारी जुड़ी भी है तो इसे कहेंगे सिनकार्पस, और अगर अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस। लेकिन एपोकार्पस सिनकार्पस का कंसेप्ट कब लगता है, जब वो कार्पल कैसी कंडीशन में हो, मल्टी कार्पेलरी में हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कार्पल का स्ट्रक्चर। तो देखो, एक कार्पल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा। उसके नीचे क्या होती है, स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ पार्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, ओवेरी। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, यही अपन ने नोट किया है कि थ्री पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी जो होती है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या उसको लोक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। और ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। क्या होगा, ओव्यूल। अब देखो, ओव्यूल जो है इसको अच्छे से समझना, ओव्यूल जो है वो जो होता है एक स्ट्रक्चर से ओवेरी से जुड़ा हुआ रहता है, तो उस स्ट्रक्चर को तो कहते हैं फनिकल। और ओवेरी की वॉल की जिस जगह से जुड़ा हुआ रहेगा उस जगह को अपन क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा तो ओवेरियन वॉल की वो जगह है जहां से ओव्यूल जुड़ा हुआ है, और फनिकल क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप सब नोट कर लो, फिर आगे अपन ओव्यूल के स्ट्रक्चर और ओव्यूल के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको क्या कहते हैं, ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। देखो, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके पार्ट एक दूसरे के बहुत सारे सिमिलर पार्ट है, उनको अपन को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे मेल में जहां एंड्रोसियम था, फीमेल में वहां क्या है, गाइनोसियम। मेल में जहां स्टेमन था, वहां फीमेल में क्या है, कार्पल। क्योंकि मेल का जो एक एंड्रोसियम का जो एक मेंबर है वो क्या कहलाता था, स्टेमन, ठीक वैसे वैसे गाइनोसियम का एक मेंबर क्या कहलाता था, कार्पल। स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में डेवलपमेंट होता था, कार्पल के ओवेरी वाले पार्ट में होता है। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होती थी, ओवेरी में क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन ने पोलन सैक बोला था, ठीक उसी तरह मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, ओव्यूल। पोलन सैक में पोलन ग्रेन डेवलप हुए थे जो कि मेल गैमेटोफाइट थे, ठीक ऐसे कैसे ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा जो कि क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और फिर उसमें पोलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमेट बने थे, ये ऐसे कैसे एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, फीमेल गैमेट डेवलप होगा। तो अपन को क्या करना है, ओव्यूल जो कि क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, उसको अपन को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो ओव्यूल को समझने से पहले समझते, देखो ओव्यूल कहां पे होता है, अपने ओवेरी के अंदर होता है। अब इसको देखते हैं, तो देखो ओव्यूल जो होता है एक स्ट्रक्चर से ओवेरी से जुड़ा हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फनिकल। क्या कहलाएगा, फनिकल। और ये जिस जगह से जुड़ा हुआ रहेगा उस जगह को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये फनिकल बेसिकली होना तो यहां तक ही चाहिए, लेकिन कभी कभी इस फनिकल की आउटग्रोथ बन जाती है। इस आउटग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, रेफे। ये वाला पार्ट, ये रेड कलर वाला नहीं, ये जो आउटग्रोथ है इसको अपन क्या कहेंगे, रेफे। ये रेड कलर वाला पार्ट क्या है, ये फनिकल से होता हुआ वेस्कुलर स्ट्रैंड, जाइलम फ्लोयम जो जो स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड यहां तक जाता है। ठीक है, अब जो ओव्यूल जो होता है ओवरऑल पूरा एक कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर मान सकते हैं उसको। और उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होता है वो पैरेन्काइमस टिश्यू से बना हुआ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूसिलस। क्या कहेंगे, न्यूसिलस। और इस न्यूसिलस को कवर किए हुए कवरिंग होती है
जिसको क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट, क्या कहेंगे इंटेग्यूमेंट। ये रही कवरिंग जो इस म्यूसिलस को क्या करती है, कवर करती है। यही वजह है कि ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटेग्यूमेंट कितनी हो सकती है, ये इंटेग्यूमेंट एक हो सकती है, दो हो सकती है, और कुछ प्लांट में होती ही नहीं। तो अगर दो होगी तो ऐसे ओव्यूल को कहेंगे बाइटेगमिक, जिसमें कितने इंटेग्यूमेंट होंगे, दो। अगर एक होगी तो उसे क्या कहेंगे यूनिटेगमेंट, और अगर होगी नहीं तो उसे क्या कहेंगे एटेगमिक, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं फिर। तो ये म्यूसिलस वाला पार्ट होता है, इसको अपन को ये कवर करके रखता है। एक चीज अपन और रह गई, फनिकल जो होता है वो ये मेन बॉडी है किसकी, ओव्यूल की। और ये क्या है फनिकल, तो फनिकल ओव्यूल से जिस जगह से जुड़ा हुआ रहता है, जंक्शन पॉइंट जो होता है किसका, ओव्यूल और फनिकल का, उसको अपन क्या बोलेंगे हाइलम, क्या बोलेंगे हाइलम। वापस चलते इधर। तो ये अपना क्या था न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो होता है वो धसा हुआ रहता है, ठीक है, उसके अंदर ही होता है। कौन, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसको अपन बाहर अलग से बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जब पूरी तरह से डेवलप होता है तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। सेल कितनी होगी, 7, न्यूक्लियस कितने होंगे 8। 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ। ऊपर वाली इन 3 सेल को कहेंगे एंटीपोडल सेल, नीचे वाली 3 सेल को क्या कहेंगे एग अपरेटस, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस जो होते हैं उन न्यूक्लियस को तो कहते हैं पॉलर न्यूक्लियाई, लेकिन सेल एक ही होती है जिसको क्या कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। एंटीपोडल सेल में 3 सेल, एग अपरेटस में 3 सेल, और ये 1 सेल, तो टोटल कितनी होगी 7 सेल। लेकिन हर सेल में 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां 2 है तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे 8 न्यूक्लियस। ये जो एग अपरेटस होगा इसमें बीचों बीच में जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया ये है एग सेल, और बाकी आजू बाजू इसकी सखी सहेलियां कौन होगी सिनर्जिड्स, कौन होगी सिनर्जिड्स, ठीक है। एक चीज अपन और देखते हैं, ये इंटेग्यूमेंट जो है वो एक नीचे छोटे से पार्ट में कवर्ड नहीं है, इस पार्ट को कहते हैं माइक्रोपाइल, क्या कहेंगे माइक्रोपाइल, और इसके जस्ट सामने वाला जो पोर्शन होगा उसे कहेंगे चैलेजा। ये चैलेजा जो होता है वो इंटेग्यूमेंट बनाने का काम करता है। ओरिजिनेट कहां से होता है इंटेग्यूमेंट, चैलेजा से। एक और चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आगे के जो भी अपन डेवलपमेंट पढ़ेंगे और यहां पर भी जो ये ओव्यूल जो होगा उसमें पॉइंट को शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, चैलेजा और माइक्रोपाइल का। जैसे अभी मैंने बोला कि ये एग अपरेटस नीचे होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि एग अपरेटस का होता है माइक्रोपाइल की तरफ और एंटीपोडल सेल कहां होती है चैलेजा वाली तरफ, ठीक है। तो एक बार फटाफट वापस करते हैं, देखो ये ओव्यूल है जो कि क्या है मेगा स्पोरेंजियम, इसे क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं ओव्यूल को, ठीक है। ये जो होता है ओवेरी में एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं फनिकल, फनिकल मेन बॉडी से जहां से जुड़ा हुआ रहता है उस जंक्शन को क्या कहते हैं हाइलम, फनिकल जो होता है वो कभी कभी आउटग्रो कर जाता है जिसको क्या कहते हैं रेफे, और ये जो ओव्यूल, ओव्यूल जो है उसका मेन जो पोर्शन होता है वो कौन होता है न्यूसिलस, न्यूसिलस के चारों तरफ क्या होती है कवरिंग, कवरिंग को क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट। कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं, एक होगा तो मोनोटैगमिक, दो होंगे तो बाईटैगमिक, नहीं होंगे तो एटैगमिक। ये जो इंटेग्यूमेंट है नीचे की तरफ कवर नहीं करता जिसको क्या कहते हैं माइक्रोपाइल, उसके जस्ट अपोजिट एंड को क्या कहते हैं चैलेजा। माइक्रोपाइल और चैलेजा ये पॉलिरिटी को शो करने के भी काम आएंगे। म्यूसिलस के सेंटर में या बीचों बीच में क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में टोटल कितनी सेल होती है 7 सेल, जिसमें 3 सेल किसकी तरफ होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 सेल किसकी तरफ होगी चैलेजल सेल की तरफ, और बीच में एक जो सेल होगी जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे 2 न्यूक्लियस वो बीच में होगी। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक, और वो एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है न्यूसिलस, और न्यूसिलस किसका पार्ट है ओव्यूल का। तो इस तरीके से ओव्यूल का ये अपना डिस्क्रिप्शन है, इसका डिटेल आगे की स्लाइड में से नोट कर लीजिए, ये अच्छे से डायग्राम बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ओव्यूल। 6 टाइप होते हैं ओव्यूल के, और उनका ये डायग्राम और उनका डिस्क्रिप्शन उनके साइड में ही लिखा हुआ है, अच्छे से समझे, समझने लायक टॉपिक है, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक में से,
तो देखो जो सबसे जनरल टाइप का जो मतलब सबसे सिंपल टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। उसके बाद एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। जो अपन ने पहले ओव्यूल किया था वो कौन सा था? तो वो था एनाट्रोपस। ये क्यों स्टडी किया अपन ने? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में इसी तरह का क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोट्रोपस के साथ। तो देखो ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो अप स्ट्रेट ओव्यूल होता है। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि ये ओव्यूल कैसा है, एकदम सीधा ओव्यूल है। देखो ये माइक्रोपाइल एंड, फिर ये जो है वो एंडोस्पर्म, फिर चैलेजा, हाइलम, फनिकल, सब एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अप स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे याद रखें, इस डिस्क्रिप्शन में एम का मतलब माइक्रोपाइल, ई का मतलब एंडो एम्ब्रियो सैक, सी का मतलब चैलेजा, एच हाइलम और एफ अगर कहीं लिखा है तो वो फनिकल से होगा। देखो यहाँ पर जो फनिकल है वो ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रेफे नहीं है। ठीक है, रेफे की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि रेफे कब बनता है? जब आउटग्रोथ हो जाती है किसकी? फनिकल की। नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड। हाँ, मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ही होता है। नेक्स्ट लेते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में जो ये है ये घूम के ऐसे घूम जाता है 180 डिग्री से, बोले तो ये माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा और चैलेंजा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अभी भी चैलेंजा, एंडो एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन में। ठीक है, लेकिन उनका जो वो कॉन्फ़िगरेशन था वो 180 डिग्री से रोटेट कर गया। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 180 डिग्री से रोटेशन किस ओव्यूल में होता है, तो किस में होता है? एनाट्रोपस में होता है। और इस रोटेशन से क्या हुआ? माइक्रोपाइल जो ऊपर था वो घूम के किसके पास आ गया? हाइलम के पास में आ गया। ठीक है, 82% एंजियोस्पर्म फैमिली में इसी तरह का क्या पाया जाता है? अपने कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस। क्या है हेमी एनाट्रोपस? हेमी बोले तो हाफ, एनाट्रोपस बोले तो ये एनाट्रोपस वाले कॉन्फ़िगरेशन का हाफ। ऐसा समझ लो कि ये जब घूम रहा था तो ये 0 था, फिर ये 90 डिग्री और ये 180, तो वो 90 वाले पर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कौन सा हो जाएगा? हेमी एनाट्रोपस। इसमें भी माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चैलेंजा तीनों एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन ये जो फनिकल के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसे पूछे कि 90 डिग्री रोटेशन किस में होता है, तो किस में होता है? हेमी एनाट्रोपस में। इसमें एम, ई और सी बोले तो माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चैलेंजा स्ट्रेट लाइन में तो होते हैं, लेकिन फनिकल के साथ वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री में। ठीक है, एकदम इन तीनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे नीचे। फिर नेक्स्ट जो है पहले अपन ये पढ़ते हैं कैमाइलोट्रोपस। देखो कैमाइलोट्रोपस क्या होता है? कैमाइलोट्रोपस में जो ये जो ओव्यूल की जो मेन बॉडी होती है वो कर्व्ड हो जाती है। कैमाइलो का मतलब ही यही होता है, कर्व्ड हो जाना। तो इसमें जो न्यूसिलस है वो कर्व्ड हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो ऑलमोस्ट सीधा ही रहता है, या अपन ऐसे कहें उसमें कर्व नहीं होगा। ठीक है, जबकि एम्फी, एम्फीट्रोपस का मतलब, एम्फी का मतलब होता है दोनों। अब दोनों कौन? यहां पर जो एम्ब्रियो सैक और न्यूसिलस दोनों ही कर्व्ड हो जाएंगे और हॉर्स शू शेप का हो जाएगा। अब यहां पर आपकी बुक में थोड़ी गड़बड़ी है। बुक में लिखा हुआ है कि कैमाइलोट्रोपस में हॉर्स शू शेप प्रेजेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसमें होता है? एम्फीट्रोपस में। आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लीजिए, हर गाइड में, हर बुक में यही लिखा होगा कि हॉर्स शू शेप किसमें होता है? एम्फीट्रोपस में होता है। तो ये एक आपका प्रॉब्लम है जो बुक में शायद इनकरेक्ट दे रखा है। इसको ट्रांसवर्स ओव्यूल कहते हैं। इन दोनों में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल हाइलम के टूवर्ड्स में होता है, माइक्रोपाइल हाइलम के पास में आ जाता है। इन दोनों में एम, ई और सी तीनों एक ही लाइन में नहीं है जैसे कि अभी तक थे। तो इसमें भी एम, ई और सी तीनों एक ही लाइन में नहीं होते। इसमें भी न्यूसिलस वाला और जो चैलेंजा वाला पार्ट है ऑलमोस्ट फनिकल के परपेंडिकुलर है, इसमें भी है। बस मेन डिफरेंस क्या है? इसमें जो होता है ओव्यूल या न्यूसिलस कर्व्ड होता है, एम्ब्रियो सैक ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, जबकि इसमें क्या होगा? न्यूसिलस के साथ एम्ब्रियो सैक भी जो होता है वो भी कर्व्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस जो है वो ऐसा समझ लीजिए ये चारों लगभग लगभग एक ही तरह के। ठीक है, तो इसमें कुछ रोटेशन नहीं था,
फिर 90 से हुआ तो ये बना, 180 से हुआ तो ये बना, और फिर वापस घूम के सीधा हो गया। बोले तो कितना रोटेशन हो गया, पूरा का पूरा 360 रोटेशन। वापस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोपाइल ऊपर एंड एम्ब्रियो सैक और चले जा, माइक्रोपाइल ऊपर एम्ब्रियो सैक और चले जा, तो ये कितने डिग्री का रोटेशन हो गया, 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। और इसमें फनिकल जो है वो एक्सटेंड रेफे होता है। देखो रेफे इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों में कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड होता है, क्या कहते हैं अपने फनिकल जिससे रेफे होता है। इसमें जो फनिकल है वो पूरे ओव्यूल को ऑलमोस्ट कवर कर रखा है, कॉइल्ड हो गया पूरा का पूरा फनिकल, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा फनिकल हो गया, ठीक है। तो इससे ओव्यूल वापस अपराइट आ जाता है। एक चीज, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चले जा किस में स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन दोनों में नहीं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लर्न करें। रोटेशन का किस किस में पूछेंगे, ये अप स्ट्रेट है, 180 डिग्री का रोटेशन एनाट्रोपस में, 90 डिग्री का एमी एनाट्रोपस में, 360 डिग्री का सर्सिनोट्रोपस में, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो देखो मेगा स्पोरोजिनेसिस का क्या मतलब होता है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर कैसे बनता है, एमएमसी से मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस। और फिर उस मेगा स्पोर से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, वो उसका डेवलपमेंट कहलाता है। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, इसलिए अपन ने लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अपन दोनों स्टेप एक ही साथ करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली सेल है जो आर्किस्पोरियल सेल थी, फिर इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और क्या बनता है, दो सेल बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो या तो अनडिवाइडेड रहेगी या फिर डिवाइड होकर पैराइटल टिश्यू बनाएगी। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, मेल में क्या हुई थी, ये फिर डिवाइड की थी और स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया था, या ऐसा कोई स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं बनेगा, उसकी जगह ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही मेगा स्पोर मदर सेल का काम करेगी, एमएमसी का। फिर ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से ये डिप्लॉइड एमएमसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉइड मेगा स्पोर में। और कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर, क्यों, क्योंकि एक मियोसिस से कितने बनते हैं, 4 सेल बनती है, ठीक है। और ये मेगा स्पोर क्या होगी, फर्स्ट सेल होगी किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। यहां के बाद अपन क्या करेंगे, पॉलरिटी शो करेंगे, ऊपर वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल, नीचे वाला कौन सा, चले जा, ठीक है। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं लेकिन फिर सारे डायग्राम फ्लिप होंगे, ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड और ये कौन सा है, चले जा एंड। अब इन 4 में से जो 3 जो मेगा स्पोर होंगे वो डी जनरेट होंगे और डी जनरेट होते समय अपना जो भी न्यूट्रिएंट और कंटेंट है वो लास्ट वाले को दे देंगे। तो कौन सा मेगा स्पोर फंक्शनल रहेगा, जो चैलेजा की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर आप सी ऊपर लिखते हैं और एम नीचे लिखते हैं तो ऊपर वाला फंक्शनल रखना है, ठीक है। चैलेजा जिस तरफ लिखेंगे उस तरफ वाला क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। तो चैलेजा एंड की तरफ जो मेगा स्पोर था वो क्या रह गया, फंक्शनल रह गया, और बाकी 3 डी जनरेट हो गया, मतलब एक ही मेगा स्पोर बचा, एक मेगा स्पोर बचा और फिर उससे डेवलपमेंट होगा। इसको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि अपन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इन 4 में से 2 रहे और फिर 2 से डेवलपमेंट हो, उसे कहेंगे बाईस्पोरिक, और चारों ही रहे और चारों से, उसे कहेंगे टेट्रास्पोरिक। जो अपन कर रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ केस में होता है एंजियोस्पर्म में, वो कौन सा होता है, मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनियम टाइप, ठीक है। अब जो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर रहा, इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस तो होगा लेकिन सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो 2 न्यूक्लियस बनके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चैलेजल एंड की तरफ, फिर माइटोसिस होगा, अगेन सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, 1 से 2, इधर भी 1 से 2, फिर माइटोसिस और अगेन कौन सा होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। सब में 2-2 बनेगा तो टोटल कितनी बन जाएगी, 4 ऊपर और 4 नीचे बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन होगा, ऊपर से भी 1 न्यूक्लियस बीच में चला जाएगा और नीचे से भी 1 बीच में चला जाएगा। इस तरीके से 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहेंगे। और अब होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवीजन का क्या मतलब होता है, वॉल फॉर्मेशन होगी। तो देखो वॉल बनेगी, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वॉल, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ और इसके चारों तरफ, ये 3 का एक सेट बन गया।
ठीक ऐसे कैसे एक नीचे एक इधर तीन का नीचे भी एक सेल बन गया और बीच में ये पूरी एक सेल रह जाएगी। ठीक है तो टोटल कितनी सेल हुई, सेवन सेल, तीन ऊपर तीन नीचे और एक बीच में, जबकि न्यूक्लियस कितने हैं एट, तीन ऊपर तीन नीचे और दो बीच में। ठीक है ये सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो होता है वो अपना क्या है डेवलप्ड एम्ब्रियो से है, इसे ही क्या कहेंगे डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो तीन सेल का कलेक्शन बनेगा उसे क्या कहेंगे एग एपरेटस, और जो चैलेंजर एंड की तरफ तीन सेल का बनेगा उसे क्या कहेंगे एंटीपोडल सेल, बीच में जो दो न्यूक्लियस इसे पॉलर न्यूक्लियस, ये सेल को क्या कहेंगे सेंट्रल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये पूरा डायग्राम ऐसे फ्लिप भी हो सकता है, आप किसी बुक में देखे और एग एपरेटस नीचे एंटीपोडल सेल ऊपर, आपको कि ये गलत बता दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पॉलरिटी याद रखनी है। अगर एग एपरेटस नीचे बनाएंगे तो वो नीचे वाला एंड कौन सा हो जाएगा माइक्रोपाइल। ठीक है तो माइक्रोपाइल एंड जिस तरफ होगा उस तरफ क्या होगी एग एपरेटस, उसके सामने वाली साइड में एंटीपोडल और बीच में क्या होगा पॉलर न्यूक्लियस। इस तरीके से अपना ये क्या हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या हो गया पूरा, इसका डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड में। सिर्फ एक और टॉपिक है और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखो फीमेल गैमेटोफाइट को एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं, ये अपना कौन सा था कार्पल, कार्पल के सेंटर में ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, ओव्यूल कुछ इस तरीके का होता है, उस ओव्यूल के बीचों बीच क्या होता है एम्ब्रियो सैक और वो एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसा। ठीक है ये एम्ब्रियो सैक ही अपना फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें तीन सेल ऊपर होती है जिनको क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल, और सारी सेल कैसी होती है हैप्लॉइड, बीच में जो दो न्यूक्लियस वाली सेल है जिसको सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, उसके जो दो न्यूक्लियस है उनको क्या कहेंगे पॉलर न्यूक्लियस, दोनों ही पॉलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है लेकिन ये पूरी सेल को अपन डिप्लॉइड मान सकते हैं एन प्लस एन टू एन के हिसाब से। नीचे जो तीन सेल का कनेक्शन है जिसको एग एपरेटस कहेंगे। एक और चीज अभी क्लियर कर देता हूं सर, अभी तो एंटीपोडल नीचे थी एग एपरेटस ऊपर था ऐसे कैसे, मैंने अगेन कहा ये कोई फिक्स नहीं होता, बस अगर मैंने एंटीपोडल ऊपर बनाई है तो ये वाला एंड कौन सा होगा चैलेंजर, अगर एग एपरेटस नीचे बनाया तो ये वाला एंड कौन सा होगा माइक्रोपाइल, देखो यहां पर क्या था माइक्रोपाइल था इसलिए मैंने नीचे बना दिया। ठीक है तो हाँ एग एपरेटस में भी तीनों सेल कैसी होती है हैप्लॉइड, बीच वाली सेल जो होती है वो एग सेल होती है जो फीमेल गैमेट का काम करेगी, और साइड की जो दो सखी सहेलियां हैं जिन्हें सिनर्जिस्ट कहते हैं, ये सिनर्जिट के ऊपर देखो ऐसे निकले हुए रहते हैं जिन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ ऐसे केमिकल और सिक्रेट करते हैं जिससे पॉलन ट्यूब ऊपर से इनकी तरफ ग्रो करती है, और बाद में पॉलन ट्यूब इन दोनों में से किसी एक में से या इसके और इसके बीच में से निकलकर अंदर की तरफ एंट्री करेगी। ठीक है तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, और वो किसका फंक्शन हो जाएगा सिनर्जिज का फंक्शन हो जाएगा। एक्सेल आप जानते ही है क्या करेगी फीमेल गैमेट की तरफ बिहेव करेगी, जो ये पॉलर न्यूक्लियस है ये क्या काम करेगी, देखो दो मेल गैमेट थे उसमें से एक मेल गैमेट तो एक्सेल के साथ और एक इसके साथ फ्यूज होगा और बाद में PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, वो अपन अगले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। और ऊपर वाली एंटीपोडल सेल कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इनका फंक्शन अननोन है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रेटिव होती है तो यहाँ डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम करती है। ठीक है तो इस तरीके से अपना ये पूरा चैप्टर पूरा होता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और खूब सारा मन लगा के पढ़िए। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर भी विजिट कीजिए, ये चैप्टर के भी तीन पार्ट है, टोटल तीनों पार्ट को बार बार अच्छे से देखें, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों तो खूब सारा पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।